नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। सभी को पहले तो मेरा हाथ जोड़ के जय जय श्री राधे राधे राधे। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से रहने वाली है कि सब अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कहा था कि आप डीप फोक जो है जब आपके गाड़ी के आगे जो फ्रंट वाला शीशा है या जो साइड वाले जो भी आपके शीशे होते हैं उन पर अब जो है वो फोक आनी शुरू हो जाती है, तो किन वजह से ये फोक आती है पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कैसे हम गाड़ी का एसी जो है बिना ऑन किए इस जो फोक वो है वो हम हटा सकते हैं, डिफोक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एसी चलाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर भी जो है वो काफी ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें कई बार हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। मतलब सर्दी तो वैसे ही बहुत है, तो अगर हम एसी ऑन करते हैं फिर टेम्परेचर डाउन करते हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ती है। तो ऐसा क्या करें कि अब ना बिना एसी ऑन किए हम अपनी गाड़ी का जो एक टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रख पाएं और हमारे जो शीशे में जो ओस जमनी शुरू हो जाती है वो भी हट जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू कर रहे हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम भी देखिए ये जो प्रॉब्लम आती है ना जो आपकी शीशों पे जो फोक आनी शुरू हो जाती है वो गर्मियों में क्यों नहीं आती, सर्दी में ही क्यों आती है। तो रीजन उसके पीछे ये होता है क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो क्या होता है जो मॉइस्चर है वो आना शुरू हो जाता है आपकी गाड़ी में। गर्मी में ऐसी नौबत ही नहीं आती क्योंकि गर्मियों में बाहर तो वैसे ही बहुत गर्मी हो रही होती है, तपरा होता है, तो इस वजह से वो मॉइस्चर जो है वो गर्मियों में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इवन आप बारिशों में भी नोट करेंगे, बारिशों में भी काफी जो है वो मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है। तो अब क्या करें कि अब गाड़ी देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी में डीफोक करेंगे तो मैं पहले आपको यहाँ पर डीफोक करके दिखाता हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए साहब यहाँ पर जो गाड़ी है वो अभी ऑन है और अभी देखिए हमने इसमें कोई भी ऐसा जो है वो डीफोक वाला सिस्टम अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले देखिए मैं आपको पहले नॉर्मल करके दिखाता हूँ क्या होता क्या है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे जो है वो फ्रंट फोक दबाया, जैसे ही मैंने फ्रंट अपना डीफोक वाला बटन दबाया तो हुआ क्या, देखिए आपका एसी जो है वो ऑन हो गया। अगर आपके पास गाड़ी जो है वो ऑटो एसी वाली है तो ये जो ब्लोअर की स्पीड है वो काफी तेज आनी शुरू हो जाती है, तो आप यहाँ से अपनी ब्लोअर की स्पीड को यहाँ पे कम कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो है वो डिफॉक होना शुरू हो गया। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करने वाली बात जो है वो ये है, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका ये बटन दबाया तो गाड़ी का एसी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अब जब गाड़ी का एसी ऑन हो गया तो देख लीजिए साहब आपके सामने है कि टेम्परेचर जो है वो होगा। अब आपने करना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अब बिना एसी ऑन किए मैं इस गाड़ी का जो डिफॉक भी करूं ताकि एसी भी ना ऑन हो हमारी गाड़ी का डिफॉक भी हो, टेम्परेचर भी जो है वो गाड़ी का मेंटेन रहे। तो आपने क्या करना है, पहले देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने अभी बंद कर दिए। अब आपने क्या करना है यहाँ पर आपने एसी इसका पीला बटन दबा दिया और यहाँ से आपने एसी को ऑफ कर दिया। अब जब आपने एसी को ऑफ कर दिया और डिफॉक वाला बटन तो अभी दबा ही हुआ है तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए अब ये वाला बटन जो होता है ना ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हवा जो है वो अंदर ही जो है वो सर्कुलेट होती रहेगी। आपने क्या करना है, एसी ऑन नहीं करना, एसी को तो आपने ऑफ कर दिया, अब यहां से क्या करना है आपने इस वाले बटन को भी जो है वो बंद कर देना है। आपने इस वाले बटन को बंद कर दिया, अपना टेम्परेचर जो है देखिए आप 26 कर दीजिए, 27 कर दीजिए, 28 कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं प्रेफरेबल करता हूँ कि आप इसका जो टेम्परेचर है वो 26-25 की रेंज में रखिए। अब होगा क्या, जब गाड़ी चलेगी आपकी तो जो हवा आएगी ना ये जब लाइट जलती है तो इसका मतलब ये जो है वो हवा जो है वो अंदर सर्कुलेट होती है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट बंद होने का मतलब ये हो गया कि अब जो हवा आएगी वो बाहर से आएगी। क्यों, बाहर से जब हवा आएगी तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो ठंडा ही है, तो वहां से जो हवा आएगी क्योंकि साथ साथ इंजन से भी जो है वो हवा जो है वो खींचेगा, तो इसमें क्या होगा, एक तो साथ साथ आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, हल्की हल्की आपको हवा भी आती रहेगी, गर्म हवा भी फील होती रहेगी और आपका जो डीफॉक वाला सिस्टम होगा वो भी होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए आप इसकी ना इसकी जो बना भी ऐसे हुआ है, देखिए इसके जो एरोज बने हुए हैं वो टूवर्ड्स आपके शीशे की तरह बने हुए हैं, तो यहाँ से जो हवा आएगी वो जो है जो आपके साइड के मिरर जो होते हैं उनमें जो आपका
फॉग जमा हो जाता है वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपका काम कर सकते हैं कि आप बिना गाड़ी का एसी ऑन किए अपनी गाड़ी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं और आपका जो ये डीफॉग वाला सिस्टम होगा वो भी जो है वो हट जाएगा। अब देखिए दूसरा ये रियर में आ जाइए, सेम सिस्टम जो है वो रियर में रहेगा। रियर में एसी ऑन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रियर में क्या होता है आपको देखा होगा कि छोटी छोटी सी लाइनिंग बनी होती है, वो हीट होनी शुरू होती है तो वहां से जो मॉइस्चर होता है वो वेपरेट होने शुरू हो जाता है, तो आप वहां से जो है वो पीछे वाला जो आपका जो जहां पर पीछे फॉग जमता है वो आपका हट जाएगा। साइड वाले मिरर जो है वो इसी से जो है वो हट जाएंगे। तो अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है ये वाला, ये देखिए ये तीसरा ऑप्शन, इसमें आपके पास फॉग डिफॉग भी हो रहा है और जो हवा आ रही है वो सीधी पैरों में आ रही है। सेकेंड ऑप्शन देखिए जो अब यहाँ पर डिफॉग नहीं हो गया, हवा जो है वो आपके चेहरे पे आएगी। और तीसरा ऑप्शन जो है वो दोनों हवा जो है वो सर्कुलेट हो सकती है, तो आप ये भी कर सकते हैं ये पार्ट भी, डिफॉग के साथ साथ जो हवा है वो गर्म हवा आपके सिर्फ पैरों पे आएगी। तो यहाँ से आप बिना एसी ऑन किए अपनी गाड़ी का जो डिफॉग है वो कर सकते हैं। कोई चक्करबाजी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपने इस बटन को ऑन नहीं रखना, इस बटन को ऑफ रखना है। यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जनरली क्या होता है कि हम जितने भी लोग रहते हैं वो इस बटन को हमेशा ऑन रखते हैं कि हवा जो है वो बाहर से ना आए, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूं, अंदर की जब हम हवा जो है वो अंदर ही इनसर्कुलेट करेंगे तो जितने भी छोटे छोटे से जर्म्स होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते वो गाड़ी के अंदर रहने शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में हल्का सा गाड़ी का शीशा खोल लीजिए, चाहे आप 2 मिनट के लिए खोल लीजिए, वो भी नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है ऑफ कर दीजिए ताकि थोड़ी ताजी हवा जो है वो गाड़ी के अंदर आए। कोई भी हमारी चीज जो है वो कभी भी देखिएगा अगर बंद रहेगी तो उसमें एक तो स्मेल आने लग पड़ती है और आपकी जो है वो कंटेमिनेटेड जो है वो हवा भी जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है। तो आपने इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि कम से कम महीने में या 15 दिन में एक बार 1 मिनट के लिए अपनी जो हवा है वो इनटेक वाली हवा से थोड़ा सा उसको दबा के ताकि बाहर से जो है वो हवा जो है वो गाड़ी के अंदर आ सके और गाड़ी में जो है वो फ्रेश एयर का आना बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जिसमें आप बिना गाड़ी का एसी ऑन किए, देखिए आप एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, जैसे ही आप इसका दबाएंगे ना ये वाला बटन तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास एसी ऑन ऑफ करना है कि नहीं करना है, फिर आप उसके बाद यहाँ पर जाके जो है वो एसी जो है वो ऑफ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। डिफॉग दबाएंगे, देखिए आप एक चीज और नोट करते हैं यहाँ पर, जब मैंने रियर का दबाया तो रियर का जब दबाने पे कभी भी एसी ऑन नहीं होगा, ये एसी ऑन तभी होगा जब मैं फ्रंट का दबाऊंगा। देखिए मैंने अब फ्रंट का दबा रहा हूँ, देखिए मैंने फ्रंट का दबाया तब एसी जो है वो ऑन होता है, रियर के केस में एसी जो है वो कभी नहीं ऑन होता रियर के केस में, बिकॉज हमें जो जो पीछे शीशे पे जो लगी होती है वो गर्म होनी चाहिए तो वो हवा जो है वो वेपरेट होती है। तो आई होप दोस्तों एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने ये बताया कि कैसे आप बिना एसी को ऑन किए हुए अपनी गाड़ी में से डिफॉग कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और साथ साथ आपका डिफॉग भी जो है वो होता रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो आज की वीडियो है जिसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी तो वो हमने सोचा कि उस इन्फॉर्मेशन को भी आगे जो है वो हम सर्कुलेट कर पाएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों से, हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अर्न एंड ग्रो, आप उस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि उतना प्यार आप हमारे दूसरे चैनल को भी देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी आगे जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक इसमें एक बेल आइकॉन का जो एक ऑप्शन होता है प्लीज़ आप उसको जो है वो प्रेस जरूर कर दीजिए करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे, जय जय श्री राधे।